आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बिरयानी। इसके लिए यहाँ मैंने 4 बॉयल एग लिया है। इस एग को चारों ओर से चाकू की सहायता से हल्का कट कर लेंगे, जिससे जब इसे हम लोग ऑयल में फ्राई करें तो ये फटे ना। अब मैं यहाँ एक कुकर ली हूँ और इस कुकर में रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लोगों को बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना है। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज का प्याज लिया है। इस प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करते टाइम बीच बीच में इसे चलाते हुए इसे फ्राई कीजिएगा। अब मैं दूसरे साइड पानी ले रही हूँ। इस पानी में अब मैं 2 दालचीनी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, नमक 2 चम्मच, ऑयल 1 चम्मच, नींबू 1/2, इसे डालकर पानी को गर्म होने के लिए छोड़ देना है। तब तक मैं चावल को धो के उसे साफ कर लेती हूँ। यहाँ मैंने 3 कप चावल लिया है। यहाँ मैंने बासमती चावल लिया है। इस चावल को अच्छी तरह से धो लेना है। चावल को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लीजिएगा। इसके बाद इसका पानी को फेंक के इसे रख दीजिएगा। अब मैं कुकर का प्याज को चेक करूंगी कि ये फ्राई हुआ है कि नहीं। इसे अभी और थोड़ा सा फ्राई करना बाकी है। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, तो अब मैं इस प्याज को निकाल लूंगी। इसी ऑयल में अब हमें एग को भी फ्राई कर लेना है। एग फ्राई हो गया है तो अब मैं इसे निकाल लूंगी। दूसरे साइड पानी भी गर्म हो गया है तो अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी और इसे पकने दूंगी। इसे हमें 70% तक पकाना है। अब मैं कुकर में 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 चक्री फूल, 2 हरी मिर्च इसे डालकर हल्का भून लेना है। फिर इसमें फ्राई किया हुआ प्याज को भी डाल देना है। थोड़ा सा प्याज मैं बचा के रख ले रही हूँ, जिसे मैं बाद में यूज करूंगी। अब मैं यहाँ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ली हूँ। इस लहसुन अदरक का पेस्ट को भी अच्छी तरह से भून लेना है। फिर मैं यहाँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ और 2 चम्मच बिरयानी मसाला। इस मसाला को मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से भून लेना है। फिर इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दीजिएगा और इस टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लीजिएगा। टमाटर हमारा भुन गया है तो अब मैं यहाँ दही डाल रही हूँ। दही को लो फ्लेम में अच्छी तरह से पका लीजिएगा। अब मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। नमक
हल्का ही डालिएगा क्योंकि चावल में भी मैंने नमक डाला था। अब मैं 2 कटोरी पानी डाल रही हूँ। इस मसाला को मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पकने दीजिएगा। मसाला पक गया है तो अब मैं इसमें अंडा को भी डाल दूंगी और इसे 5 मिनट तक पकने दूंगी। ये देखिए मसाला पक गया है तो मैं 2 अंडा को निकाल लूँगी और 2 अंडा को कुकर में ही रहने दूँगी। दूसरी साइड चावल चेक करना है कि चावल पका है या नहीं। ये देखिए चावल लगभग 70% पक गया है, इसे हम लोगों को चेक कर लेना है। ये पक गया है तो अब मैं इस चावल को कुकर में डाल दूंगी। चावल को डालकर इसे अच्छी तरह से फैला लीजिएगा। इसके बाद इसमें जो 2 अंडा निकाला था उस अंडा को भी इसमें डाल दीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें हरी धनिया और पुदीना के पत्ते डाल रही हूँ और साथ में फ्राई किया हुआ प्याज। फिर इसमें मैं 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। ये मैं ऑरेंज कलर ली हूँ, ये ऑप्शनल है, आप लोग इसे डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। इसके बाद फिर मैं चावल का लेयर बनाऊंगी। फिर से इसमें मैं ऑरेंज कलर डाल रही हूँ, पुदीना के पत्ते और धनिया पत्ता डालूंगी, साथ में फ्राई किया हुआ प्याज भी डाल दूंगी। इसके बाद मैं 1/2 चम्मच केवड़ा वाटर डालूंगी और इसे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने दूंगी। कुकर का सीटी लगने से पहले इसे ऑफ कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा एग बिरयानी बनके रेडी है। ये देखिए बिरयानी कितनी अच्छी तरह से खिला खिला बना है, इसका दाना बिल्कुल भी नहीं टूटा है। अब इसे हल्के हाथों से इसे मिला लेंगे और इसे सर्व करेंगे। थैंक यू।